पटना में मेट्रो के एक साल पूरा होने पर सीएम योगी मेट्रो डिपो पहुंचे, जहां उन्होंने मेट्रो डिपो की वर्कशॉप का निरीक्षण किया। पीएल पुनिया ने महंगाई के विरोध का एक नायाब तरीका निकाला है। पुनिया ने बाराबंकी की सड़क पर एक गधे की को गाड़ी में मोटरसाइकिल रखकर महंगाई के विरोध में मार्च निकाला। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने आगरा में जमकर हंगामा किया। आरएलडी नेताओं ने डीएम कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। बारिश के चलते बिजनौर के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में फंस गए हैं। जलभराव की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जलभराव की समस्या से लोगों को निजात मिलती नजर नहीं आ रही। एसजीएसटी एक्ट को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के दिए बयान पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर सियासी निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके बयान से साफ है कि बीजेपी का दलित पेड़ सिर्फ दिखावा है। बुलंदशहर में राजपूत समाज के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि राजपूत समाज एससीएसटी एक्ट बिल के खिलाफ है और हम लोग इसका विरोध करेंगे। हमीरपुर में लाइब्रेरी सेंटर टीचर्स डे मनाया गया। इस दौरान डीएम ने टीचर्स को सम्मानित किया। इस कोचिंग में सभी बच्चों को बिना फीस पढ़ाया जाता है। अलीगढ़ में संचालित सोच संस्था जमालपुर इलाके के स्लम्स एरिया में रहने वाले गरीब तबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करता है। किराए पर मकान लेकर टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। मऊ में विशाल स्वाभिमान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें एसएससी एक्ट का विरोध कर विशाल प्रदर्शन किया गया। साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कानपुर में डॉक्टर की लापरवाही के चलते एम्स के प्रैक्टिशनर डॉक्टर की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई है। साथ ही सपा विधायक इरफान सोलंकी भी पहुंचे। उन्नाव में 226 भैंसें गायब होने के मामले में आरोपी को जेल भेज दिया गया। दरअसल ऐसो ने कोर्ट में पेश होकर जमानत की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। देवरिया में बालिका गृह कांड मामला जोर पकड़ता नजर आ रहा। दरअसल महिला संगठन और भाकपा माले के बैनर तले हजारों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। सोनभद्र जिले में रोटा वायरस वैक्सीन का शुभारंभ हुआ। अर्बन स्वास्थ्य केंद्र में जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने फीता काटकर और नवजात बच्चों को दो बूंद दवा पिलाकर इसका शुभारंभ किया।